नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम पहुंचे हैं देवली रोड बघोला में और आप देख सकते हैं एक विशाल पांडाल यहां आपको नजर आ रहा है। और ये देख सकते हैं तमाम कुर्सियां यहां लगी हुई हैं। एक विशाल जनसभा का आयोजन होने वाला है। कल आपको बता दें उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती जी यहाँ पहुंचने वाली है। साथ में अभय चौटाला जी भी आने वाले हैं और यहाँ के इनेलो बसपा गठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कल क्या रहेगा, ये जो आयोजन है कितना विशाल रहेगा। सर कैसा रहेगा ये कल का आयोजन? देखो, जब से गठबंधन हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी का, तब से एक हरियाणा में एक दीपावली के त्योहार की तरह इसको मनाया जा रहा है। और जहां भी प्रोग्राम हुए हैं वो ऐतिहासिक प्रोग्राम हुए हैं। और यहां भी पिरथला विधानसभा क्षेत्र और आसपास के लगभग 50,000 आदमी यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं और एक ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा यहाँ की जो लहर पूरे हरियाणा में जाएगी। कहीं ना कहीं जो हरियाणा के लोग हैं वो हमेशा जब भी इलेक्शन होते थे तो मायावती जी को मिस करते थे और इस बार उनका जो सपना है वो पूरा होने वाला है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, अब की बार ये गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये एक ऐसा प्रमाणित गठबंधन है जो 1998 में जब हुआ तब भी 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीतने का काम किया था और अब भी ये स्पष्ट तौर पे गठबंधन की सरकार बनेगी और अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे। और लगभग कितने लोगों की कल आने की संभावना है? लगभग 50,000 से ज्यादा की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा कि यहाँ प्रशासन को बड़ा मुस्तैद रहने की जरूरत है, जो किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। और बाकी सारी तैयारियां जो हैं वो इतने बड़े जनसैलाब को संभालने की पूरी हो चुकी हैं? हाँ, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सभी को हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे। सभी को सूचना है, सभी को निमंत्रण दिए हैं, फिर भी आपके चैनल के माध्यम से जहां तक भी ये संदेश पहुंचता है हम सबको निवेदन करते हैं कि माननीय बहन जी और अभय चौटाला जी को सुनने के लिए अच्छी तादाद में आप यहां पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फरीदाबाद आप देख सकते हैं सामने स्टेज है और तैयारियां अपने जोरों पर हैं, आपको दिखा दें। और कल सुबह 11 बजे यहां पर ये जो जनसभा है ये शुरू हो जाएगी और ये आप देख सकते हैं पीछे भी जो तैयारियां हैं वो लगातार यहाँ पर चल रही हैं और एक बड़ी विशाल जनसभा का आयोजन यहाँ होने जा रहा है। कल ऐतिहासिक रहेगा हरियाणा की राजनीति में, ये जो जनसभा है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जनसभा रहेगी। जैसा अभी बताया, पहले ये गठबंधन हुआ था और एक बार और आप देख सकते हैं पूरा विशाल यहाँ पर जो आयोजन है अंदाजा लगा सकते हैं। कुर्सियों पर देखकर और उनकी तादाद को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कल जो यहाँ जनसभा होने वाली है काफी विशाल होने वाली है। और अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, कद्दावर नेता हैं पिरथला विधानसभा से। जी अरविंद जी, क्या कहना चाहेंगे कल की जनसभा के बारे में? कल की जो जनसभा है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करेगी। हरियाणा के इतिहास की जो बड़ी जनसभाएं मानी जाती हैं उनमें गिनती इसकी होगी और बहन मायावती जी इसमें आ रही हैं, अभय सिंह चौटाला जी इसमें पहुंच रहे हैं और उन दोनों नेताओं को सुनने के लिए बहुत बड़ी तादाद में आप देखेंगे पिरथला हलके के एक एक गांव से लोग पहुंचेंगे। 36 बिरादरी के लोग पहुंचेंगे, किसी एक जाति के नहीं, सभी जातियों के लोग पहुंचेंगे और उनका जो स्वागत है वो भी बहुत भव्य होगा। आप देखेंगे शायद ही इस तरह के स्वागत हरियाणा ने पहले कभी देखे हों। आपको क्या लगता है पिरथला की जो राजनीति है उस पर इस जनसभा का क्या फर्क पड़ेगा? आप खुद देखेंगे कि कल के बाद जो पिरथला की जो राजनीति है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। ये रैली अपने आप में एक मिसाल कायम होगी, एक मील का पत्थर साबित होगी। 2014 में जो हुआ था वो कुछ भी नहीं था, वो एक ट्रेलर था। उससे बहुत बड़ी जीत इस बार पिरथला में बहुजन समाज पार्टी की सुरेंद्र वशिष्ठ जी की होने जा रही है। संदीप जी हमारे साथ हैं, संदीप जी क्या कहना चाहेंगे कल की जनसभा को लेकर? देखिए, कल की ये ऐतिहासिक जनसभा है पिरथला विधानसभा क्षेत्र में जो हो रही है और कल की जनसभा के बाद
ये पटला विधानसभा को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेगी। असल में तो चुनाव के मायने कल पटला विधानसभा में बदलने वाले हैं। एक भव्य जन समारोह पटला में गदगद कार्यकर्ता हैं, लगभग 500 कार्यकर्ता शाम के टाइम यहाँ मौजूद थे, जो विधानसभा से इस भव्य आयोजन को देखने के लिए पहुंचे थे। सभी में हर्षोल्लास, और खासकर औरतें इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लेंगी, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी जो है वो आयरन लेडी है, 4 बार सफल मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की, सारी औरतें सुनने आ रही है। और युवा में भारी जोश है, युवा तो ये लगा लो एक तरह से, आप कल यहाँ जब लाइव यहाँ दिखाओगे उनका अलग उत्साह देखने को मिलेगा। कल के बाद पटला विधानसभा के चुनाव परिणाम अपने आप तय हो जाएंगे, एक बहुत बड़ी जीत पटला विधानसभा के सुरेंद्र वशिष्ठ जी की होने वाली है। फरीदाबाद आप देख सकते हैं टीम सुरेंद्र वशिष्ठ यहाँ मौजूद है, और मुस्तैदी से आप देख सकते हैं जो ये 2 मिनट केवल, ओनली 2 मिनट्स, थैंक्स फॉर यू। मैं केवल 2 मिनट बोलता हूँ। सबसे बड़ी तो मैं धन्यवाद आपका करता हूँ जो आपने इतना टाइम निकाला है, जिनको 8 साल हो चुके हैं, और उनकी सेवा में जो मेरे परम पूजनीय और छोटे मेरे से उम्र में भी जो निभाने के लिए वशिष्ठ जी को हमारे भारद्वाज जी, हमारे संदीप भाई साहब जी मेरे भांजे लगते हैं नाते में, तो मैं तो ये कहूंगा और खासकर चैलेंज से कहूंगा, आपकी मेहरबानी रहे तो हराने वाला एक भी है ही नहीं। हार डलते हैं, मुकुट डलते हैं, उनमें भी हार नहीं होती है, वो हार है, जीत आपके है। मैं अगर ये कह दूं निर्वोध सरपंच फ्रॉम डाढ़ोता, आपने बहुत टाइम निकाला है, और तीनों के लिए और सबरे समाज के लिए, और जितने भी बैठे हैं मेरे भाई साहब, मेरे बॉडीगार्ड कहते हैं मेरे से भाई साहब, बॉडीगार्ड नाम ना लेना चाहिए, उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। बघोला गांव वशिष्ठों का है, उनसे ही इनकी जन्मभूमि है, वही भारद्वाज जी, वो मेरे अंदर ये हैं अपने संदीप जी। मैं एक माफी चाह के कहता हूं भगवान से, प्रार्थना ये कर सकता हूं मैं आपकी मेहरबानी से, एक भगवान इसको कामयाबी की तरफ बढ़ाओ, और आप बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा। फरीदाबाद आप देख सकते हैं कल की जो ऐतिहासिक यहाँ जनसभा होने वाली है वो ऐतिहासिक रहेगी, और फरीदाबाद की जो राजनीति, पृथला की जो राजनीति है उसकी दिशा और दशा बदलने वाली होगी। जोड़ेंगे आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।